नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आपका जी के मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपसे आर आर वी एल वी दो हज़ार अट्ठारह के रिजल्ट घोषित के बारे में बात करेंगे तो जिसने अभी तक जिसने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जी के मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू में घंटी के चिन्ह चिन्हए तो इसको भी दबा लें ताकि ऐसी आने वाली वीडियो मिस ना हो पाए तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आर आर वी ए एल पी तकनीशियन संशोधित परिणाम दो हज़ार अठारह ए एल पी रिजल्ट रेलवे भर्ती बोर्ड परिणामों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें परिणामों को तिथि सामने आई बीस दिसंबर को ग्रुप सी ए एल पी तकनीशियन परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाएंगे आपको बता दें कि आर आर बी ए एल बी और तकनीशियन एक चरण के परिणाम जारी होने वाले हैं पहले रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 20 नवंबर 2019 को घोषित किए जाने की संभावना थी बोर्ड ऑनलाइन परिणाम जारी किया तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बार घोषित होने के बाद उम्मीदवार आरआरवी की अधिकारी वेबसाइट पर अपना परिणाम देखकर सकते हैं बता दें कि 24 दिसंबर 2018 को सफल उम्मीदवारों को दूसरे चरण के कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा और बात करें तो रेलवे के परिणामों में ऐसे देखें अपने सबसे पहले अधि अधि आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं फिर दूसरे चरण में आप देख सकते हैं आर आर बी एल पी और तकनीशियन एक स्टेज सी बी टी संशोधित परिणाम सभी तक सक्रिय अधिसूचना पर क्लिक करें और फिर तीसरे चरण में आवश्यक जानकारी दर्ज करें और परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं फिर आप आपको बता दें कि आर आर एग्ज़ाम दो के परिणाम रद्द कर दिए गए थे आर ने कुछ सवालों के में उत्तर कुंजी और अनुवाद पर मुद्दे को उठाते हुए उम्मीदवारों से कुछ प्रस्ताव भी प्राप्त किए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आर ने प्रतिक्रिया के, के रूप में नए सभी मुद्दों की जांच करने का फ़ैसला किया है अगर जो यह जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना मिलेंगे अगली वीडियो के साथ फिर से नमस्कार